Hi guys and welcome back to my YouTube channel Attractive Economics Classes. जो हमारी आज की वीडियो है क्लास 12 की, आज की वीडियो है वीडियो नंबर 9, ओके? और वीडियो नंबर 9 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एनएनपीएफसी। अब सब कोई जानता है कि एनएनपीएफसी क्या होता है। एनएनपीएफसी मींस नेशनल इनकम, ओके? चैप्टर नंबर 4 इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम के बेसिक एग्रीगेट्स कौन से हैं। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया कि नेशनल इनकम क्या है, तो वापस भाग के जाओ वीडियो नंबर 4 या 5 में, जहां पे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ है। चैप्टर नंबर 2 में जहां पे हमने डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम एक्सप्लेन किया है, फटाक से वहां पे जाइए, वीडियो देखिए। वीडियो देखने से पहले लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद पढ़िए कि नेशनल इनकम क्या है, ठीक। अब ये तो बात हुई कि नेशनल इनकम क्या है, सबको ही जानता है नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक। नेशनल इनकम अगर है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई उसको कैलकुलेट करता होगा। जैसे हमारी घर की इनकम है, घर की इनकम को कोई ना कोई कैलकुलेट करता है। मम्मी हो गए, पापा हो गए, भाई हो गए, बहन हो गए, एक कहीं ना कहीं कैलकुलेशन होती है ना कि कितनी इस महीने की इनकम हुई या कितनी इस महीने के एक्सपेंडिचर्स हुए, ठीक। लाइक दैट हमारे इंडिया में, इन आवर इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाई, या नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाई सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। हमारे इंडिया में नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट CSO, ठीक। 1 मार्क्स में बेसिकली पूछ लिया जाता है कि नेशनल इनकम हमारे इंडिया में कौन कैलकुलेट करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अब वो ये काम, यानी कि सेंट्रल CSO नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करता है, ठीक है। CSO जो है हमारा नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करता है, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए वो 3 मेथड्स का यूज करता है, ठीक। सबसे पहले क्या हो गया, वैल्यू एडेड मेथड। नंबर 2 इनकम मेथड, एंड नंबर 3 एक्सपेंडिचर मेथड। गर्मी बहुत पड़े दिया, ठीक। CSO जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए अपने 3 मेथड यूज करता है। सबसे पहले क्या हो गया हमारा, सबसे पहले हो गया हमारा वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा क्या हो गया इनकम मेथड, तीसरा हो गया हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मींस कि प्रोडक्शन के डिफरेंट फेज में हमने कितना वैल्यू ऐड किया, या कितना रॉ मटेरियल ऐड किया, या हमने कितना मेहनत किया है, उसको लेकर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमारा इनकम मेथड, यानी कि वैल्यू एडेड में मेहनत करने के बाद जो मुझको यहाँ पे इनकम मिल रही है, ठीक है, जो मैंने पैसे कमाए हैं उन उसको लेकर मुझको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। और जब पैसा हमें मिल गया, आखिरी क्या हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मीन हमने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, उसको लेकर हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट होना है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड हो गए, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इतना सबको आ गया समझ में। अब इसके बाद देखते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, ठीक। नाउ पहला मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। अब देख लेते हैं पहले वैल्यू एडेड मेथड है क्या। दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के डिफरेंट फेज में, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, या जितने भी फेजेस हों प्रोडक्शन के डिफरेंट फेजेस में, कैसे हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना रहता है, वहां पे इस मेथड का यूज होगा। नेक्स्ट, एवरी एंटरप्राइज
एट सर्टेन वैल्यू टू द प्रोडक्ट विच इट परचेजेस फ्रॉम अदर फर्म एज आईजी। आईजी मीन्स इंटरमीडिएट गुड। मान लो कि मेरी कोई फर्म है, ठीक है, मेरी कोई फर्म है, फर्म एक्स है ना। फर्म एक्स ने क्या किया, फर्म वाई से कोई प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक। फर्म एक्स ने, मेरी फर्म ने फर्म वाई से कोई एक प्रोडक्ट परचेज किया, वो प्रोडक्ट मेरे लिए क्या होगा, वो मेरे लिए होगा इंटरमीडिएट गुड आईजी, ठीक। अब इस जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किया उसमें क्या किया मैंने, उसमें मैंने थोड़े वैल्यू ऐड किया। वैल्यू ऐड मींस मेहनत करके रॉ मटेरियल मैंने ऐड किया, ठीक। मेहनत करके जो रॉ मटेरियल मैंने ऐड किया वो हो गया हमारा वैल्यू एडेड। उसी को हम कहेंगे वैल्यू एडेड मेथड। मेहनत करके क्या किया एक्स ने, क्या किया फर्म जेड को सेल कर दिया, ठीक है। यानी कि मेरी कोई फर्म है, मेरी फर्म ने फर्म वाई से कोई प्रोडक्ट परचेज किया, परचेज करने के बाद उसमें कुछ मेहनत किया, कुछ रॉ मटेरियल ऐड किया, रॉ मटेरियल ऐड करने के बाद फर्म जेड को बेच दिया, ठीक। अब देखो जो वैल्यू मैंने ऐड किया, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू ऐड किया उस वैल्यू को क्या कहेंगे, उस वैल्यू को हम कहेंगे जीवीए एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। यानी कि मैंने मेहनत करके जो रॉ मटेरियल, जो वैल्यू मैंने ऐड की, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक। अभी जो वैल्यू एडेड मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड के कुछ नाम और हैं, जैसे नंबर वन हो गया हमारा प्रोडक्ट मेथड, नंबर वन इज प्रोडक्ट मेथड, नंबर टू इज इन्वेंट्री मेथड, एंड नंबर थर्ड इज नेट आउटपुट मेथड, ठीक। वैल्यू एडेड मेथड को हम और क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड और नेट आउटपुट मेथड। अब देखो ये तीन नाम जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा या यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड क्वेश्चन में ना दिया हुआ। वैल्यू एडेड मेथड का नाम चेंज करके क्या दिया हो, प्रोडक्ट मेथड या इन्वेंट्री मेथड या नेट आउटपुट मेथड, जब तक हमें यही नहीं मालूम होगा तो हम क्या जानेंगे कि ये वैल्यू एडेड मेथड है, कि इनकम मेथड है, कि ये एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है। ठीक, जो वैल्यू एड हुआ उसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और ये जो हमारा जीवीए एट एमपी होता है, ये हमेशा इक्वल टू किसका होता है, जीडीपी एट एमपी। जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। अब देखो ये तो हो गया कि वैल्यू एडेड मेथड क्या है, अब हमें ये देखना है कि वैल्यू एडेड मेथड का जो फॉर्मूला है, जो हम लोग को यूज करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वो क्या है। अब देखो जीवीए एट एमपी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक। जीवीए एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जीवीए एमपी क्या है, ये हमारा है वैल्यू एडेड, कितना वैल्यू मैंने ऐड किया है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, सिंपल सी बात, मेरी फर्म थी फर्म एक्स, मेरे दोस्त की फर्म थी फर्म जेड, ठीक। फर्म एक्स ने क्या किया, फर्म वाई से कोई एक प्रोडक्ट परचेज किया, मेरी थी फर्म एक्स, दोस्त की थी फर्म वाई या फर्म जेड। फर्म एक्स ने क्या किया, फर्म जेड से कोई प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक। वो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा इनपुट, ठीक। वो हो गया उसका वैल्यू ऑफ इनपुट, उसने कितने में परचेज किया।
अब क्या किया उसने, इस प्रोडक्ट को परचेज करके उसमें कुछ रॉ मटेरियल ऐड किया, ठीक है। 100 रुपए का प्रोडक्ट था, उसमें 100 रुपए रॉ मटेरियल जोड़ के उसको बेच दिया, ठीक। तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट मींस कि जो हमारा इनपुट था, जो हमारा इनपुट था जो हमने वाई से परचेज किया, उसको मैंने कितने में बेचा, बेचने क्या कहेंगे, बेचने को कहेंगे सेल्स, ठीक। अब मान लो टोटल आउटपुट है हमारे पास 1000 यूनिट्स, ठीक। अब ये जरूरी नहीं कि हम 1000 यूनिट एक साथ बेच दें, ठीक, जरूरी नहीं कि 1000 यूनिट हम एक साथ बेच दें, हो सकता है कुछ स्टॉक हमारे पास बच जाए, उसको हम क्या कहेंगे, चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या हो गया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब देखो सेल्स क्या होता है हमारा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि कितनी क्वांटिटी हमने कितने प्राइस में बेचा। कभी कभी क्वेश्चन में सेल्स ना दिया हो, क्वेश्चन में ये दे दिया हो यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड या प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, तो प्राइस क्या हो जाएगा हमारा पी हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा हमारे क्वांटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला सबको ही जानता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब कभी कभी क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स होगा, डोमेस्टिक सेल्स। अब देखो ये क्या है, क्या होता है डोमेस्टिक सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स मींस वो सेल जो मैंने अपने कंट्री के अंदर अपने डोमेस्टिक ट्रेडरी के अंदर किया, हो सकता है कि नहीं, मैंने कुछ कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, उसके बाद क्या किया, कुछ प्रोडक्ट उसमें से कुछ यूनिट हमने उसको अपने देश के अंदर में से बेचा, वो हो गया हमारा डोमेस्टिक सेल्स। और ये भी तो हो सकता है कि हम आउट ऑफ इंडिया बेचे, अपने देश के बाहर बेचे, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट, ठीक। ये हो गया हमारा डोमेस्टिक सेल्स, ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के कितने फॉर्मूले हो गए, पहला ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया, ठीक। अब देखते हैं इंटरमीडिएट अजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, कितना रॉ मटेरियल मैंने ऐड किया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मींस कितना रॉ मटेरियल मैंने ऐड किया। अब वो रॉ मटेरियल हो सकता है कि मैंने अपने कंट्री से परचेज किया हो सकता है कि नहीं, ये रॉ मटेरियल जो है मैंने अपने कंट्री से परचेज किया हो। अब जो रॉ मटेरियल अपने कंट्री से परचेज होगी उसको क्या कहेंगे, हम सोचो जो रॉ मटेरियल मैंने अपनी कंट्री से परचेज किया है उसको क्या कहेंगे। सामने फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख लो एक बार, वहीं से ही आएगा सबके पास। मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में जो रॉ मटेरियल मैंने अपने कंट्री से परचेज किया उसको क्या कहेंगे, सोचो उसी तरह। कुछ आया समझ में, जब ये डोमेस्टिक सेल्स हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक कंजम्पशन, ठीक। डोमेस्टिक कंजम्पशन मीन्स वो रॉ मटेरियल जो मैंने अपने कंट्री के अंदर से परचेज किया है, ये भी हो सकता है कि वो रॉ मटेरियल मैंने बाहर से मंगवाया हो। तो जब बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, इंपोर्ट। आ गया समझ में, तो ये हो गया हमारा वैल्यू एडेड मेथड, जीपी एट एमपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो जीपी एट एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी, और जीडीपी एट एमपी से हमें अगर नेशनल इनकम पे जाना है तो सबको क्या याद करना है, वही जो तीन बेसिक शफलिंग थी, ग्रॉस टू नेट का, डोमेस्टिक से नेशनल का, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस का, ठीक है। तो जो हमारी आज की वीडियो थी, आज की वीडियो में हमने पढ़ लिया कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। अब जो कल हमारी वीडियो नंबर 10 होगी, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी वीडियो नंबर 10, उसमें हम वैल्यू एडेड मेथड के 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम सीधा जाएंगे अपने नेक्स्ट मेथड पे, इनकम मेथड पे, ठीक।
अब एट लास्ट वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलिएगा। जितना सब्सक्राइब हो पाए उतना सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।